कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। सैन फ्रांसिस्को में राहुल ने भारतीयों को संबोधित किया। 40 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि वह सब कुछ जानता है। ये एक बीमारी है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें यह लगता है कि वह भगवान से भी ज्यादा जानते हैं, वह भगवान के साथ बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। राहुल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इसके उदाहरण हैं। ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी को भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो वो भगवान को बताना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना। दैट द वर्ल्ड इज टू बिग, टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन पर्सन टू थिंक दैट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग एंड ही नोज एवरीथिंग। एंड सो रियली दैट इज द डिजीज दैट सैम sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could. Aur yahan le ek chota sa break. मिड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सिंध नदी किनारे बीढ़ में उतरा, दोनों पायलट सेफ, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की ज्वाइंट एक्शन में वकील अहदुल्ला उस्मानी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद। एनआईए को रोकने और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज, वकील के भाई और बेटे समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज। जबलपुर में आईएसआईएस के मॉड्यूल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले मस्जिद में करते थे मीटिंग, बिस्मिल्लाह ग्रुप के जरिए चल रहा था नेटवर्क, और भी खुलेंगे राज। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का यूटर्न, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी, कहा मैं शब्दों को सही तरीके से संजो नहीं पाया। इंदौर में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, नाराज भीड़ ने लगाई कार में आग, कार जलकर खाक, 3 घायलों को MY अस्पताल में, घायलों को कराया गया भर्ती। बिहार में बाबा बागेश्वर का सर कथा से प्रेरित होकर मुस्लिम लड़की ने अपनाया सनातन धर्म, वैशाली के रोशन कुमार से शादी कर बनी रुक्मणी। ग्वालियर के घाटी गांव के जंगल में बाबा पूरन दास की लाश मिलने से सनसनी, हाथ पैर बंधे हुए, मुंह में ठूसा मिला कपड़ा, मृतक गरीबदास बाबा का मोबाइल भी गायब। इसरो ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट हुआ लॉन्च, सेना को मिलेगी दुश्मनों की स्थिति की सटीक जानकारी। नेपाल में धमतरी के 17 लोग दुर्घटना के शिकार, गोरखा जिले के पास गड्ढे में गिरी वैन, घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल। दुर्ग में आज रात से रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक, दुर्ग रायपुर के बीच डबरा पारा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का होगा काम, NH-53 पर चल रहा फ्लाईओवर का काम। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 8 से ज्यादा लोग घायल, 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे रायपुर, मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर मीडिया से करेंगे चर्चा, सुबह 11 बजे निजी होटल में करेंगे मीडिया से मुलाकात। मिशन बस्तर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 4 दिनों तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, आज नारायणपुर और कोंडागांव का करेंगे दौरा। जांजगीर चांपा की जेल में मिला नशे का सामान, जांच टीम के दौरे के दौरान मिला गांजा, भूख हड़ताल पर बैठे कैदी से मुलाकात करने आई थी टीम। जगदलपुर में लामनी रेलवे क्रॉसिंग पर मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, युवक की नहीं हो पाई पहचान, जांच में जुटी पुलिस। रायगढ़ में 24 घंटे बाद भी नहीं मिला युवक का शव, मछली मारने डैम गया था युवक, गोताखोर और गांव वालों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जगदलपुर में चुनावी साल में विधानसभा सीटों पर सर्वे, कांग्रेस करवा रही 12 सीटों पर सर्वे का काम, बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही जीत का दावा। स्टील प्लांट में ठेका मजदूरों से मारपीट, 2 घायल, सुपरवाइजर पर लगा आरोप। मुंगेली में बाइसन के हमले में बुजुर्ग महिला घायल, महिला का बिलासपुर सिम्स में इलाज जारी, अचानक मार टाइगर रिजर्व के छपरवा की घटना। बलरामपुर में नेशनल हाईवे पर हाथी दिखने से लोगों में दहशत का माहौल, जंगल से भटककर गांव में पहुंचा हाथी, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। रायपुर सीएम हाउस में भोज का आयोजन, सीएम ने सरगुजा संभाग के दौरे के दौरान जिन ग्रामीणों के यहां किया था भोज, उन्हें सीएम आवास में भोजन के लिए किया गया आमंत्रित।
दिल्ली में चल रहे महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले शंकराचार्य आरवी मुक्तेश्वरानंद, कहा शिकायत की जांच कराने में क्या समस्या है। मिड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सिंध नदी किनारे बीढ़ में उतरा, दोनों पायलट सेफ, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की ज्वाइंट एक्शन में वकील अहदुल्ला उस्मानी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद, एनआईए को रोकने और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज, वकील के भाई और बेटे समेत तीन लोगों पर मामला दर्ज। जबलपुर में आईएसआईएस के मॉड्यूल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले मस्जिद में करते थे मीटिंग, बिस्मिल्लाह ग्रुप के जरिए चल रहा था नेटवर्क, और भी खुलेंगे राज। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का यूटर्न, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी, कहा मैं शब्दों को सही तरीके से संजो नहीं पाया। इंदौर में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, नाराज भीड़ ने लगाई कार में आग, कार जलकर खाक, तीन घायलों को एमवाई अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। बिहार में बाबा बागेश्वर का सर कथा से प्रेरित होकर मुस्लिम लड़की ने अपनाया सनातन धर्म, वैशाली के रोशन कुमार से शादी कर बनी रुक्मणी। ग्वालियर के घाटी गांव के जंगल में बाबा पूरन दास की लाश मिलने से सनसनी, हाथ पैर बंधे हुए, मुंह में ठूसा मिला कपड़ा, मृतक गरीबदास बाबा का मोबाइल भी गायब। इसरो ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट हुआ लॉन्च, सेना को मिलेगी दुश्मनों की स्थिति की सटीक जानकारी। नेपाल में धमतरी के 17 लोग दुर्घटना के शिकार, गोरखा जिले के पास गड्ढे में गिरी वैन, घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल। दुर्ग में आज रात से रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक, दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का होगा काम, NH-53 पर चल रहा फ्लाईओवर का काम। मिड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सिंध नदी किनारे बीढ़ में उतरा, दोनों पायलट सेफ, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की ज्वाइंट एक्शन में वकील अहदुल्ला उस्मानी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद, एनआईए को रोकने और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज, वकील के भाई और बेटे समेत तीन लोगों पर मामला दर्ज। जबलपुर में आईएसआईएस के मॉड्यूल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले मस्जिद में करते थे मीटिंग, बिस्मिल्लाह ग्रुप के जरिए चल रहा था नेटवर्क, और भी खुलेंगे राज। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का यूटर्न, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी, कहा मैं शब्दों को सही तरीके से संजो नहीं पाया। इंदौर में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, नाराज भीड़ ने लगाई कार में आग, कार जलकर खाक, तीन घायलों को एमवाई अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। बिहार में बाबा बागेश्वर का सर कथा से प्रेरित होकर मुस्लिम लड़की ने अपनाया सनातन धर्म, वैशाली के रोशन कुमार से शादी कर बनी रुक्मणी।